हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बाय विदेशी आई यूट्यूब चैनल ट्यूशन। जैसा कि आप सभी लोग लगातार हर वीडियो पे कमेंट करते हैं और प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम के बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आ रही है, कब से परीक्षाएं होंगी या फिर क्या हम सभी को प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो स्टूडेंट्स आज वीडियो में मैं इसी पर बात करूँगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन तो आप सभी लोग जरूर कमेंट करिए, मैं आप सभी के कमेंट पर रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। तो स्टूडेंट जैसा कि आप सबको पता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को लेकर अभी तक यूजीसी की तरफ से कोई ऑफिशियली गाइडलाइन नहीं आई है। यूजीसी ने केवल इतना कहा है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज़ द्वारा अपने कोर्स को लेकर अपने कैरिकुलम को लेकर प्लान किया जाए, लेकिन बच्चों को प्रमोट करने संबंधी या फिर परीक्षा कराने संबंधी यूजीसी की कोई गाइडलाइन नहीं आई। वहीं स्टूडेंट्स यूपी सरकार द्वारा जो तीन कुलपतियों की समिति बनाई गई थी उनके द्वारा यहां पर विस्तृत दिशा निर्देश सरकार को बनाकर सौंप दिए गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा किन बच्चों को प्रमोट किया जाएगा या फिर किन बच्चों को नहीं प्रमोट किया जाएगा इसके संबंध में अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। हालांकि अब काफ़ी लेट हो रहा है और मई माह भी समाप्त होने के और जून माह आने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली अपडेट जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के होने वाले एग्ज़ाम्स को लेकर यहाँ पर जो रिव्यू मीटिंग है वो रिव्यू मीटिंग 1-2 जून को की जाएगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, 1-2 जून को आप सभी की रिव्यू मीटिंग होगी, जिसके बाद पूरे देश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा इस संबंध में अंतिम निर्णय आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स आप सभी लगातार ये भी पूछते रहते हैं कि क्या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को भी प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो स्टूडेंट्स मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम्स के होने की संभावना बहुत कम है। साथ ही पिछली कोविड वेव में जिन यूनिवर्सिटीज़ द्वारा अपने बच्चों को प्रमोट किया गया था तो अब इस साल वापस से समस्या यही आ चुकी है कि अब किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी उनको प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज़ द्वारा पिछले साल परीक्षाएँ करा ली गई थी संभवतः उनके बच्चों को यहाँ पे प्रमोट कर दिया जाएगा। बात की जाएगा राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय की तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को प्रमोट करने की पूरी संभावना है, लेकिन जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं लेने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। बच्चों आप सभी लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए, बस 1-2 दिनों में अंतिम रूप से निर्णय आने ही वाला है और जैसे ही गाइडलाइन आ जाएगी मैं आपको सबसे पहले चैनल पर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो को लास्ट देखने के लिए थैंक यू।